नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूर्व सर्ग से ही के बीच में, यही आज का अपना विषय है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम जानेंगे कि तेलुगु भाषा में हम इन शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं, संबंध में ही करते हैं दोस्तों, जहाँ पे संबंध होता है जोड़ने के लिए हम इन पूर्व सर्गों का ही उपयोग करते हैं। सही बात है ना? तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को ऑन नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल बटन को ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन में फटाफट आते रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे होते रहता है कि आप किसी से झगड़ा करते रहेंगे तो कोई बीच में आते हैं आपको रोकने के लिए, तो गुस्सा तो आता है ना दोस्तों। उस टाइम क्या बोलते हैं? आप हम दोनों के बीच में मत आइए, आप हम दोनों के बीच में मत आइए, मेरू माँ इधर मध्य लो रावत दंडी, मेरू माँ इधर मध्य लो रावत दंडी, आप मेरू हम दोनों के बीच में माँ इधर मध्य लो मत आइए रावत दंडी, मेरू माँ इधर मध्य लो रावत दंडी। अगर कोई छोटा लड़का होगा या कोई दोस्त भी होगा, जो भी होगा, आप किसी से बहस करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, अगर वो बीच में पड़ता है तो इस वाक्य को हम कैसे बोलेंगे? तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो, तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो, नुव्वु मा इधर मध्य लो पड़ोद्दु, नुव्वु मा इधर मध्य लो पड़ोद्दु, तुम नुव्वु हम दोनों के बीच में मा इधर मध्य लो मत पड़ो, पड़तु नुव्वु मा इधर मध्य लो पड़तु। हमारे गांव के बीच में एक तालाब है, हमारे गांव के बीच में एक तालाब है, मा ऊर मध्य लो ओका चेरुवु उंदी, मा ऊर मध्य लो ओका चेरुवु उंदी, हमारे गांव के बीच में, हमारे मा गांव के बीच में, गांव ऊरु गांव को हम क्या बोलते हैं, ऊरु के बीच में मध्य लो एक तालाब है, एक ओका चेरुवु उंदी, तालाब चेरुवु है उंदी, मा ऊर मध्य लो ओका चेरुवु उंदी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, जो कि आज का जो मेरे वीडियो है उसी के माध्यम से मैं भी जानूंगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है और मेरे सवाल का सटीक जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं मेरे मम्मी पापा के बीच में बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा के बीच में बैठा हूँ या बैठी हूँ, नेनु ना अम्मा नाना मध्यलो कूर्चुन्नानु, नेनु ना अम्मा नाना मध्यलो कूर्चुन्नानु, मैं नेनु मेरे ना मम्मी पापा के बीच में अम्मा नाना मम्मी अम्मा पापा नाना के बीच में मध्यलो बैठा हूँ कूर्चुन्नानु, नेनु ना अम्मा नाना मध्यलो कूर्चुन्नानु। वे काम करते समय उनके बीच में मत जाओ, वे काम करते समय उनके बीच में मत जाओ, वाळ्ळु पनि चेसेटप्पुडु वाळ्ळ मध्यलोकि वेळ्ळद्दु, वाळ్ళు పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళొద్దు, ఫో వాళ్ళు కామ్ కర్తే సమయ పని చేసేటప్పుడు ఉనికే బీచ్ మే వాళ్ళ మధ్యలో యా వాళ్ళ మధ్యలోకి మచ్చావు వెళ్ళొద్దు, వాళ్ళు పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళొద్దు। దోస్తం కొద్ది బచ్చే హోతే రతే నా कोई क्राफ्ट बनाने के लिए या कुछ ड्राइंग बनाने के लिए तो कॉपी के बीच से पेपर फाड़ते रहते हैं, तो घर के जो बड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? कॉपी के बीच में से पेपर मत फाड़ो, कॉपी के बीच में से पेपर मत फाड़ो, कॉपी मध्यलो नुंची पेपर चिंपद्दु, कॉपी मध्यलो नुंची पेपर चिंपद्दु, कॉपी के बीच में से मध्यलो नुंची पेपर पेपर या पेपर मत फाड़ो चिंपद्दु, कॉपी मध्यलो निंची पेपर चिंपद्दु। अगर हम किसी को बीच में खड़ा करना चाहते हैं, दोस्तों मैं बस एक संज्ञा का एग्जांपल लेता हूँ,
आपको जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा आप उन एग्जाम्पल का दे सकते हैं, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ गौरव और टीना का। किसका दे रहा हूँ? गौरव और टीना का। तुम गौरव और टीना के बीच में खड़े रहो। तुम गौरव और टीना के बीच में खड़े रहो। नुवु गौरव इनका टीना मध्यलो निंचिन उंडु। नुवु गौरव इनका टीना मध्यलो निंचिन उंडु। तुम नुवु गौरव और टीना, गौरव इनका टीना के बीच में मध्यलो खड़े रहो निंचिन उंडु। नुवु गौरव इनका टीना मध्यलो निंचिन उंडु। मान लीजिए कोई साड़ी बीच से फटे रहती है, आप दुकान से ले आते हैं, तो जब घर में चेक करते हैं बीच में फटे रहती है, तब आप रिटर्न तो करेंगे ना दोस्तों? तब आप उनसे फटाक से बोल पाएंगे कि साड़ी बीच में से फटी हुई है। क्या बोलेंगे? साड़ी बीच में से फटी हुई है। चीरा मध्यलो नुंचि चिरिगिपोयि उंदि। चीरा मध्यलो नुंचि चिरिगिपोयि उंदि। साड़ी चीरा बीच में से मध्यलो नुंचि फटी हुई है। चिरिगिपोयि उंदि। चीरा मध्यलो नुंचि चिरिगिपोयि उंदि। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पर्स कहीं रखकर भूल जाते हैं, तो घर में पूछते हैं कि मेरा पर्स कहाँ है, पास कहाँ है। मान लीजिए आपका पर्स कपड़ों के बीच में रहेगा तो कैसे बोलेंगे? जो रखने वाले होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आप पर्स को कपड़ों के बीच में रखे हैं। आप पर्स को कपड़ों के बीच में रखे हैं। मेरु पर्सुनी बट्टल मध्यलो पेट्टारु। मेरु पर्सुनी बट्टल मध्यलो पेट्टारु। आप मेरु पर्स को पर्सुनी कपड़ों के बीच में बट्टल मध्यलो रखे हैं। पेट्टारु मेरु पर्सुनी बट्टल मध्यलो पेट्टारु। ये रास्ता गांव के बीच में है। ये रास्ता गांव के बीच में है। इदारी ऊर मध्यलो उंदी। इदारी ऊर मध्यलो उंदी। ये रास्ता इदारी गांव के बीच में ऊर मध्यलो है। उंदी इदारी ऊर मध्यलो उंदी। मान लीजिए दो लड़के बहुत झगड़ा करते रहेंगे, वो बहुत बदमाश भी होंगे, जो कि आपको मन भी नहीं करता होगा कि दोनों को अलग करें, छुड़ाएं, चलो कुछ सलूशन निकालें। कोई दूसरा देखे बोलेगा क्या देख रहा है यार, उन दोनों को अलग कर झगड़ा कर रहे हैं, तो आप क्या उन्हें अलग करेंगे? मन करेगा? जो आपको बात ही नहीं सुनते हो, तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, मैं इन दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आता। मैं इन दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आता। नेम वेल इधर गोड़वल मध्यलो रानु। नेम वेल इधर गोड़वल मध्यलो रानु। मैं नेनु इन दोनों के वेल इधरी झगड़े के बीच में गोड़वल मध्यलो नहीं आता। रानु नेम वेल इधर गोड़वल मध्यलो रानु। जब मान लीजिए दो बड़े लोग आपस में बात करते रहेंगे, तो छोटे छोटे बीच में आते हैं ना बात करने के लिए, या कुछ ताना मारने के लिए, नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। होता है ना दोस्तों बचपन में, कभी क्या मालूम आपसे भी ऐसे हुआ ही होगा कि बड़े लोग बात करते रहेंगे और बीच में आप जाएंगे टांग अड़ाएंगे, तो बड़ों को तो गुस्सा आता ही है, आता ही ना दोस्तों। उसमें क्या बोलते हैं? बड़ों के बीच में तुम मत बात करो। बड़ों के बीच में तुम मत बात करो। पेद्दल मध्यलो नुव्वु माट्लाडोद्दु। पेद्दल मध्यलो नुव्वु మాట్లాడద్దు. బడోకే బీచ్ మే పెద్దల మధ్యలో తుమ్ నువ్వు బాత్ మత్ కరో. మాట్లాడొద్దు పెద్దల మధ్యలో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. तो दोस्तों फिलहाल मेरा वीडियो अभी इतना ही है। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है और मेरे सवाल का सटीक जवाब मुझे दिया है। तो आज का मेरा सवाल है, हम दोनों के बीच में गीता बैठी है। हम दोनों के बीच में गीता बैठी है, यही मेरा आज का सवाल है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दिल से अच्छा कमेंट दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए दोस्तों, जिससे ऐसे अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।